हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बना करके दिखाऊंगी लॉन्ग स्कर्ट विद फ्रंट बटन। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, अपनी जो है जो फैब्रिक का साइड में ब्रांड बॉर्डर होता है उसको निकाल देंगे सबसे पहले। फिर हमने क्या करना है, अपनी जो हिप के अकॉर्डिंग मेजर करके और ईज एड ऑन करके हमने जो अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो मेरा है जो 11.5 इंच है टोटल, मैं 11.5 इंच पर ऊपर से नीचे तक निशान लगा करके फोल्ड करूंगी। ये देखिए इस तरह से। हिप में जो स्टिच का फैब्रिक है वो ऐड ऑन करके इस तरह से पूरा ही खुल करके हमने मेजर करके फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को इस तरह से। ये देखिए, अब हमारी जो है वेस्ट है वो है हमारी 9 इंच। तो सबसे पहले हम ऊपर 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आगे 1 इंच बढ़ा देंगे, बीच में 1 इंच की हम डॉट डालेंगे। तो 3.5 इंच पर हमने अपनी जो है डॉट का निशान लगा लेना है और इस तरह से 5.5 इंच की हम डॉट डालेंगे। 5.5 इंच पर निशान लगा करके सेम 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है और स्ट्रेट करके 1 इंच की हाफ इंच उधर से हाफ इंच इधर। तो इस तरह से हमारी शेप जो साइड से अच्छी आएगी बीच में डॉट डालने के बाद। 11 इंच पर हमने क्या करना है, अपना हिप की निशान लगा लेनी है इस तरह से। मेरी जो हिप है वो है 11, तो 1/2 इंच मैंने उसमें ऐड ऑन कर दिया। 11.5 इंच पर हमारी पूरी हो गई है। तो इस तरह से ऊपर की साइड भी हमने 1/2 इंच अपना जो है स्टिच का जो ईज स्टिच में आएगा उसका निशान लगा लेना। ये 11 इंच हमारी हिप होगी और ऊपर जो हम अपनी डॉट डाल के फोल्ड करके वो करेंगे स्टिच लगाएंगे तो हमारी देखो 9 इंच आएगी। तो इस तरह से हमने क्या करना है, साइड से शेप दे देनी है एकदम से, इसलिए हम डॉट डालते हैं क्योंकि साइड से जो शेप है वो बिल्कुल सही आई है। देखिए हमारी शेप बिल्कुल अच्छी आई है और नीचे से हम स्ट्रेट रखेंगे अपनी, स्ट्रेट स्कर्ट होगी हमारी। अब हम करेंगे ऊपर 1.5 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट होगी तो ऊपर निकाल देंगे और लेंथ मेजर करेंगे। इस तरह से हमने अपनी जो है लेंथ मेजर कर लेनी है, जितनी आप लेंथ रखना चाहें उस हिसाब से मेजर करके और नीचे ये फोल्ड के लिए है। इस तरह से थोड़ी सी शेप में दे दूंगी नीचे के लिए, 1/2 इंच अंदर करूंगी मैं, बस ज़्यादा नहीं करूंगी। तो इस तरह से हमने जो है शेप दे दी है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिएगा जी, इस तरह से कटिंग है जो हमने कर लेनी है। ये हमारा जो है पहले हमने बैक पार्ट कटिंग किया है तो इस तरह से नीचे से भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने कर लेना है अपना फ्रंट पार्ट, हमने अपना कटिंग के लिए फोल्ड करेंगे इस तरह से, फोल्ड कर लेना है। इसको हमने थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है क्योंकि आगे हमें प्लेकेट बनानी है बटन्स के लिए। इस तरह से हमने जो अपना बैक पार्ट है वो ले लेना है। इस तरह से हम बैक पार्ट रखेंगे और जो आगे हमने फोल्ड किया वहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना 1.5 इंच का निशान लगा लेना है जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा प्लेकेट के लिए मोड़ने के लिए। जो फोल्ड करते हैं हम 1.5 इंच हमने अपना जो है निशान आगे की तरफ लगा लेना है। ये देखिए अब इनको मैं ज्वाइन कर लूंगी निशानों, इस तरह से लाइन बना लेनी है। ये देखिए गाइस, जिस तरह से हमने अपनी जो है लाइन को ज्वाइन कर लेना, पूरा 1.5 इंच फैब्रिक जो फोल्ड करके आगे की तरफ छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट अपना जो है रख लेना है। ये देखिए और जो आगे से हमने जहाँ से फोल्ड है हमारा, आगे से हम कटिंग करेंगे इसकी। पहले इसको हमने सेम अपना जो है दूसरी साइड से ड्रेप कर लेना है सेम अपना, और आगे की तरफ से इस तरह से कट कर लेंगे हम। फ्रंट में हमारी जो है फ्रंट बटन में फ्रंट में प्लेकेट आएगी तो वहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो 1.5 इंच को हम फोल्ड करेंगे स्टिचिंग में, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखा है प्लेकेट बनाने के लिए। और साइड से ये देखिए सेम ड्रेप करके हमने सेम बैक पार्ट की तरह कटिंग कर लेना है, ऊपर से भी नीचे से भी सेम हमने अपना जो है ट्रेसिंग डाल देनी है। डार्ट की भी सेम ट्रेस डाल देंगे और फोल्ड की भी सेम ट्रेस डाल देनी है, नीचे से भी इक्वल कर लेंगे। ये देखिएगा जिस तरह से सिर्फ आगे हमने 1.5 इंच अपना जो है एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट में। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, ये दोनों पार्ट हो गए। अब
हमने टाट का अपना जो है सेम 3.5 इंच से 5.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से टाट डालेंगे। वही 1 इंच हमने अपना जो है फैब्रिक टाट में लेना है। ये देखिए इस तरह से इस फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और प्लेकेट जो हमारी बनेंगी। ये देखिए गाइस इस तरह से हमने क्या करना है, अपना जो बेल्ट के लिए हम फैब्रिक निकाल लेंगे सबसे पहले। ये देखिए ये हमारा जो है अंदर की साइड रह जाएगा जो ब्रांड का बॉर्डर है। तो इस तरह से 4 इंच की मैंने अपनी जो है बेल्ट का बॉर्डर से इधर ले लिया है। 4 इंच की हम अपनी बेल्ट के लिए फैब्रिक लेंगे इस तरह से। लेंथ में पूरा मेजर कर लेना है आपको, एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, बाद में कटिंग हो जाएगी उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपनी जो है 4 इंच की विड्थ में बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। ये देखिए गाइस मेरे जो बेल्ट का फैब्रिक है इस पे हमने क्या करना है, पेस्टिंग पेस्ट करके इस तरह से बेल्ट करेंगे रेडी। सबसे पहले हमने अपना जो है फ्रंट पार्ट ले लेना है। सबसे पहले हम अपनी जो है डार्ट डालेंगे। ये देखिए दोनों डार्ट को मैंने दूसरे पे पार्ट पे भी जो फ्रंट के उस पे ट्रेस कर लिया है। और इस तरह से पहले एक डार्ट डाल लेनी। अब हमने अपनी जो है दूसरे पार्ट के जो फ्रंट वाला है उसमें डार्ट डाल लेंगे। इस तरह से हम डार्ट अपनी जो है डाल लेंगे। ये देखिए गाइस अब हमने क्या करना है, डार्ट डालने के बाद हम अपने जो है आगे प्लेकेट रेडी करेंगे। सिंपली मेरा फैब्रिक थोड़ा हैवी है तो मैं ऐसे ही प्लेकेट रेडी करूंगी। अगर आपको पेस्टिंग यूज करनी है पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके मैं अपनी प्लेकेट जो ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लेनी है आपको अच्छे से। देखिए हमारी जो ब्लैकेट है एक रेडी हो चुकी है, दूसरे वाले पार्ट के भी फ्रंट के। तो दूसरी साइड भी मैंने ट्रेस के निशान लगा लिए हैं अपना 1.5 इंच पे। और इस तरह से इसी को भी फोल्ड कर लेंगे हम सेम। इस तरह से स्टिच कर लेना है और ब्लैकेट बना लेनी है। से नीचे तक हम ये देखिए दोनों हमने ये जो है स्टिच कर ली है, सीधा करेंगे और इस पर आयरन से सेट कर लिया है हमने। ये देखिए डार्ट को भी आयरन से सेट कर लिया अच्छे से और ब्लैकेट हो गई। अब हमने क्या करना है, अपने जो है ऊपर की साइड हमने अपनी जो है ब्लैकेट छोड़नी है जिसको ये देखिए 5 इंच तक मैं अपनी जो है ऊपर 5.5 इंच पर छोड़ दूंगी, 1/2 इंच स्टिच में आएगा। और नीचे की तरफ हम जो कट छोड़ेंगे अपना वो छोड़ेंगे हम 10 इंच का। मैं पूरा 10 इंच का ले रही हूँ, 1.5 से 2 इंच फोल्ड होगा तो 8 से 9 इंच बच जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने अपनी जो है एक के ऊपर दूसरे वाले ब्लैकेट को इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे सेंटर में जिससे हमारी जो है खुले ना। ये देखिए स्टिच के ऊपर स्टिच लगानी और नीचे वाला फैब्रिक की जो ब्लैकेट है उस पर भी स्टिच आनी चाहिए। तो अच्छे से देख करके स्टिच हमने लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पक्का कर देना है यहाँ पर अच्छे से। देखिए इस तरह से नीचे वाली प्लेकेट के जो है कॉर्नर पर स्टिच आए अच्छे से और इस यहाँ पर ऊपर वाली स्टिच के ऊपर स्टिच आ जाएगी, इससे पता भी नहीं लगेगा और हमारी जो है स्कर्ट खुलेगी नहीं, अच्छे से सेट रहेगी। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। ये देखिए गाइस हेयर से जो निकाल देने फिनिशिंग अच्छे से कर लेनी है। ये ऊपर हमारी जो है एक ब्लैकेट रहेगी, बटन्स लगेंगे ये हमारी अच्छे से लूज में डालने के लिए। अब हमने ले लेना है अपना बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को इस तरह से हम इस पर रखें, ये पहले हमने अपने जो है टाट लगा लेनी है दोनों में। ये देखिए मैं डार्ट को अपना नीचे वाले दूसरी साइड भी ट्रेस करूंगी इस तरह से, दोनों तरफ इस तरह से डार्ट लगा लेंगे। आप स्केल से भी कर सकते हैं, अगर आपको सिंपली इस तरह से आती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से डार्ट लगा लेनी है,
ये देखिए गाइस दूसरी डॉट भी इसी तरह से लगा लेनी है। दोनों डॉट हमारी लग चुकी है इस तरह से, आयरन से इनको सेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है, फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इस तरह से दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा और ऊपर उल्टा। तो इस तरह से पकड़ करके हमने क्या करना है, साइड स्टिच लगा लेनी है। साइड में मैंने हाफ हाफ इंच अपना जो है एज छोड़ा था, तो हाफ हाफ इंच पर हम स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से साइड स्टिच है जो लगा लेनी है। देखिए गाइस मैं इसको पक्का करूंगी अच्छे से, डबल स्टिच में साइड स्टिच अच्छे से डबल लगा लेंगे। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने अपनी जो है साइड स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए गाइस इस तरह से डबल स्टिच में कर दूंगी। आयरन से इसको अच्छे से सेट करेंगे बाद में। तो नीचे से हमने जो अपना फोल्ड करना है उसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने क्या करना है, निशान लगा लेना है फ्रंट में भी। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, जितना हमने फोल्ड करना है, जितनी लेंथ हमने ली है उसके हिसाब से, और नीचे से हम पकड़ करके इस तरह से फोल्ड करेंगे, अच्छे से बंद कर देंगे। और आप यहाँ से इस तरह से पकड़ करके फोल्ड कर देना है, सारा इक्वल हमने फोल्ड करना है, निशान लगा लें इस तरह से फोल्ड पूरा कर देना है। ये देखिए गाइस फ्रंट के कट तक अच्छे से फोल्ड कर देंगे, इधर से भी अच्छे से स्टिच में ले देंगे। ये देखिए अब हमारी बात आती है बेल्ट की। तो इस तरह से हमने अपनी जो स्कर्ट पर आयरन है कर लिया अच्छे से। ये देखिए हम बेल्ट के लिए ये हमारी जो ब्लैकेट है और हमने ले लेनी है अपनी बेल्ट के लिए फैब्रिक जो मैंने ले लिया है, इस पर मैंने अपना जो है पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। ये देखिए गाइस जितनी विड्थ में आप बेल्ट रखना चाहे उस विड्थ में आप बेल्ट रख सकते हैं, और पेस्टिंग पेस्ट करके इस तरह से ये देखिए ज्वाइंट करेंगे हम। हाफ हाफ इंच फैब्रिक छोड़ करके हमने किया है, तो इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए गाइस इस तरह से पूरे इस पर रख करके जो मैंने हाफ हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है उस पर स्टिच अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने कर दिया है अपना, ये इस तरह से ये फोल्ड किया था हमने, तो इसको ऊपर से भी इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगाएंगे। आगे से बंद करेंगे बेल्ट का जो मुंह होता है आगे से अच्छे से। ये देखिए गाइस अच्छे से अंदर करके बंद कर देना है। अब हमने क्या करना है, नीचे वाला फैब्रिक का जो स्टिच थी उसको अंदर की तरफ करेंगे और इसको फैब्रिक को रख करके सिंपली स्टिच लगा लेंगे। बॉर्डर है हमारा थ्रेड्स नहीं आएंगे, ऐसे ही ब्रांड जो है वो अंदर की साइड रहेगी हमारी बॉर्डर, तो इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। अगर आपके पास बॉर्डर वाला फैब्रिक ना हो तो आप सिंपली फोल्ड करके स्टिच लगाएं। ये देखिए इस तरह से बेल्ट जो रेडी कर लेंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से इस तरह से आगे से भी इस तरह से फोल्ड कर देना, पूरा इक्वल हम फोल्ड करेंगे अपनी ब्लैकेट की इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए आगे से भी स्टिच लगा लेंगे, पक्का कर देंगे पूरा। ये देखिए गाइस इस तरह से हमने पूरी अपनी जो है बेल्ट रेडी कर ली है। यहाँ पर हमने क्या करना है, होल बनवा लेने हैं अपने बटन होल जो होते हैं, बटन सब इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर निशान लगाया, यहाँ पर हमने बटन होल बना लेने हैं, या बनवा लेने हैं मार्केट से मशीन से। तो इस तरह से हम अपने जो है बटन्स 3-3 इंच के गैप पर हम बटन लगाएंगे, और नीचे की साइड हमने गैप ज़्यादा छोड़ देना है, जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम बटन्स लगाएंगे। ये देखिए गाइस
देखिए मेरी जो स्कर्ट है बन करके रेडी हो चुकी है।